आदि आज हम जलवायु के बारे में आपको बताते हैं कि जलवायु किसे कहते हैं, जलवायु क्या चीज़ होती है, जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और संसार को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है उसके बारे में मैं आरसी यादव सहायक आचार्य सहआचार्य भूगोल आज आपके सामने जलवायु से संबंधित जलवायु के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले तो जलवायु के बारे में समझने से पहले जलवायु मौसम इनमें क्या संबंध है, जलवायु क्या चीज़ होती है, मौसम क्या चीज़ होती है, जलवायु और मौसम में क्या अंतर पाया जाता है उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले मौसम के बारे में आपको बताते हैं कि मौसम क्या चीज़ होती है और मौसम से किस तरह से जलवायु बनती है। किसी भी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहा जाता है। किसी स्थान की सबसे पहले स्थान किसी स्थान की दूसरा अल्पकालीन किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाएं वायुमंडलीय दशाओं के किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं और वायुमंडलीय दशाओं में तापमान वर्षा आर्द्रता वायु दाब इन सबको मिलाते करते हैं तो मौसम कहलाते हैं। इस प्रकार किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहा जाता है। अब जब अपन जैसे नीमका थाना की बात करें, नीमका थाना स्थान हो गया अल्पकाल के लिए, थोड़े समय के लिए अगर तापमान से संबंधित, वर्षा से संबंधित, आर्द्रता से संबंधित, वायुदाब से संबंधित कोई भी चीज़ ये होती है तो इसी चीज़ को अपन क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। अगर थोड़ा सा भी तापमान में परिवर्तन होता है अपन कहने लग जाते हैं मौसम बदल रहा है। वर्षा में अगर वर्षा होने लगी मौसम बदल गया, ठंडी हवा चलने लगी मौसम बदल गया, वाय हवाएं आ गई, तो ये हो गया किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं का अगर अपन अध्ययन करें तो वो चीज़ मौसम कहलाती है। और अगर मौसम से जलवायु अगर किसी विस्तृत क्षेत्र की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं का अगर औसत निकालें अपन, उस औसत को जलवायु कहा जाता है। अगर किसी विस्तृत क्षेत्र की हो, विस्तृत क्षेत्र में पूरा भारत भी हो सकता है, एशिया महाद्वीप भी हो सकता है, राजस्थान का बहुत बड़ा पार्ट भी हो सकता है, तो किसी विस्तृत क्षेत्र की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं का अगर औसत निकाल लें अपन, तो औसत निकालते हैं उस औसत को जलवायु कहा जाता है। और औसत का मतलब हजारों वर्षों का, कई सालों का अगर अपन औसत निकालें उस औसत का नाम ही जलवायु का। इस प्रकार किसी स्थान विशेष की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहा जाता है और किसी विस्तृत क्षेत्र की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं का अगर औसत निकालें तो उस औसत को जलवायु कहा जाता है। जैसे भूमध्य रेखीय प्रदेशों में अपन चलें तो हजारों वर्षों से वहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है और तापमान भी ज़्यादा पाया जाता है, उनका औसत निकालें तो वहाँ पे उष्ण और आर्द्र जलवायु प्रदेश होगी। अगर अपन ध्रुवीय प्रदेशों में जाएं तो ध्रुवीय प्रदेशों का अगर औसत निकालें तो वहाँ पे तापमान बहुत कम होता है, वर्षा होती नहीं है, तो वहाँ पे अगर ध्रुवीय प्रदेशों की जलवायु के बारे में अपन देखें तो वहाँ पे शीत जलवायु, हजारों लाखों वर्षों से वहाँ पे तापमान बहुत कम पाया जाता है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वहाँ पे शुष्क और शीत जलवायु पाई जाती है। तो इस आधार पर अपन किसी स्थान
कि मौसम के बारे में या जलवायु के बारे में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो जलवायु मौसम का संबंध अल्पकाल के लिए होता है, थोड़े समय के लिए होता है, किसी स्थान विशेष के लिए होता है, जबकि जलवायु का संबंध विस्तृत क्षेत्र के लिए होता है और दीर्घकाल के लिए होता है। इस प्रकार मौसम और जलवायु, अब संसार की अपन अगर जलवायु के बारे में अध्ययन करें तो संसार को कई जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। सामान्यतः जैसे कोपेन ने, थार्मथवेट ने, केंड्रियो ने, इन्होंने कई जलवायु प्रदेशों में बांटा। परंतु अगर सामान्य अपन अध्ययन करें कि संसार को किस जलवायु के बारे में सामान्य अध्ययन करें तो अपन पाएंगे कि संसार को लगभग 11 या 12 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। अब उसमें से अपन देखें तो सबसे महत्व चीज एक नंबर पे अगर चलें तो पहला है भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश, भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश या भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश या उष्ण व आर्द्र जलवायु प्रदेश, उष्ण व आर्द्र जलवायु प्रदेश के नाम। अब उष्ण और आर्द्र जलवायु प्रदेश, पहला जलवायु प्रदेश हो गया भूमध्य रेखीय या उष्ण व आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब भूमध्य रेखीय या उष्ण व आर्द्र जलवायु प्रदेश कहाँ पाया जाता है, क्या विशेषताएं हैं इसकी, पृथ्वी के कौन से क्षेत्र में है, यहाँ के कौन कौन सी विशेषताएं, तापमान संबंधी, वायुदाब संबंधी, आर्द्रता संबंधी, वर्षा संबंधी, वनस्पति संबंधी, क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, उनके बारे में आज पहली जलवायु या पहला भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश के बारे में आपको बताते हैं कि यह जलवायु प्रदेश भूमध्य रेखा के दोनों ओर अगर अपन चलें तो लगभग 5 से 10 डिग्री अक्षांशों के बीच में भूमध्य रेखीय प्रदेशों में ये अगर अपन देखें तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के बीच में या 5 से 10 डिग्री अक्षांशों के बीच में जहाँ सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं, तापमान ज़्यादा पाया जाता है, सूर्य की किरणें सीधी गिरने से तापमान ज़्यादा होता है और यहाँ पे वर्षा की अधिकता होती है, इस कारण इसे उष्ण और आर्द्र जलवायु प्रदेश कहा जाता है। ये भूमध्य रेखीय प्रदेशों में इसका विस्तार सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर वैसे एरिया के हिसाब से देखें अपन तो यह अमेजन बेसिन में, अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में जाएं तो अमेजन बेसिन में, अफ्रीका में जाएं तो कांगो बेसिन में, और अगर दक्षिणी पूर्वी एशिया में जाएं तो इंडोनेशिया, मलेशिया, इन या पूर्वी द्वीप समूहों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा, इसके साथ साथ वर्षा की अधिकता होगी, तापमान ज़्यादा होगी, वर्षा ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद में तापमान और वर्षा के कारण यहाँ पे घनी वनस्पति पाई जाती है जिसे सदाबहार या चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं यहाँ पे। तथा इसका सबसे ज़्यादा अगर मानचित्र में देखें अपन तो मानचित्र के हिसाब से यह जलवायु प्रदेश भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। इसका अगर अपन थोड़ा सा अगर अध्ययन करें तो यह जलवायु प्रदेश ये अमेजन बेसिन, ये कांगो बेसिन और ये पूर्वी द्वीप समूह। तो अपन अगर देखें तो भूमध्य रेखीय जलवायु या उष्ण व आर्द्र जलवायु प्रदेश
दक्षिणी अमेरिका के अमेजन बेसिन में, अफ्रीका में चलें तो कांगो बेसिन में, और एशिया में चलें तो पूर्वी द्वीप समूह है जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया या जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, न्यू गिनी, कालीमंटन, उन क्षेत्रों में ऐसी जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे तापमान की अधिकता, वर्षा की अधिकता के कारण यहाँ सदाबहार प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, घने जंगल पाए जाते हैं, और इनका ये क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला क्षेत्र है। इस प्रकार अपन बताते हैं कि विश्व भूमध्य रेख जलवायु या उष्ण व आर्द्र जलवायु प्रदेश भूमध्य रेखा के दोनों ओर अगर 5 से 10 डिग्री अक्षांशों की तरफ चलें तो यहाँ पे ऐसी जलवायु पाई जाती है। इस जलवायु की विशेषताएं दे रखी हैं कि यहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा, वर्षा की अधिकता होगी, तापमान और वर्षा अधिक होगी तो यहाँ घनी प्रकार की वनस्पति होगी, और घनी वनस्पति होगी बताते हैं कि 100-100 मीटर तक के पेड़ पाए जाते हैं जिनमें जिनके सूर्य की किरणें धरातल पर पहुँच ही नहीं पाती, इतने घने जंगल हैं। जिनमें अपन बात करें अमेरिका के, दक्षिणी अमेरिका में चलें तो अमेजन बेसिन में, अफ्रीका में चलें तो कांगो बेसिन में, तथा एशिया में जाएं तो इन देशों में पूर्वी द्वीप समूह में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस प्रकार पहली जलवायु होगी भूमध्य रेखीय जलवायु या उष्ण व आर्द्र जलवायु प्रदेश। दो नंबर पे अपन चलें तो संसार में दूसरे वाली जलवायु मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मानसूनी जलवायु प्रकार की जलवायु के बारे में आपको कि संसार में मानसूनी जलवायु कहाँ पाई जाती है, क्या विशेषताएं होती हैं, तो दो नंबर पे मानसूनी जलवायु के बारे में पहले भी आपको बताया कि मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ऋतु, यानी ऐसी हवाएं जो ऋतुओं के अनुसार चलती हैं। ऋतुओं के अनुसार चलने वाली हवाओं को मानसून कहा जाता है। भारत में या दक्षिणी पूर्वी एशिया में सबसे ज़्यादा मानसून चलती है। अगर इनके बारे में देखें अपन तो मानसूनी जलवायु प्रदेश का सबसे ज़्यादा विस्तार दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाया जाता है। इसके बाद अगर अन्य देश में चलें तो कुछ पार्ट इनका ये दक्षिणी पूर्वी एशिया सबसे ज़्यादा विस्तार दक्षिण पूर्वी एशिया में, फिर इसके बाद में यहाँ पे मेक्सिको की खाड़ी के आसपास, फिर यहाँ पे अर्जेंटीना के आसपास, फिर यहाँ पे दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में तथा दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार की जलवायु सबसे ज़्यादा पाई जाती है। परंतु इस जलवायु का अपन अगर अध्ययन करें तो इसका सबसे ज़्यादा विस्तार दक्षिणी पूर्वी एशिया, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, दक्षिणी चीन, नेपाल, भूटान, इनमें सबसे ज़्यादा मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जहाँ पे मानसून अधिकांश रूप से मानसून चलती है। और ये मानसून क्या चीज़ होती है, किस तरह से चलते हैं, इनके बारे में आपको बताएं कि जब ऋतुओं के अनुसार हवाएं चलती हैं तो ऐसा होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मानसून के बारे में आपको बताएं कि जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में तापमान की अधिकता हो जाती है, और तापमान की अधिकता के कारण यहाँ पे न्यून वायु दाब के केंद्र बनते हैं। इस कारण गर्मियों में समुद्रों से स्थल की ओर हवाएं चलती हैं। समुद्रों से स्थल की ओर हवाएं चलने के कारण ये हवाएं अपने साथ आर्द्रता लेके आती हैं तथा वर्षा करती हैं। इस वर्षा को मानसूनी वर्षा कहा जाता है, मानसून के नाम से जानी जाती है। और जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमकता है तो ये वायु दाब की पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं, तो दक्षिण की ओर खिसकने के कारण यहाँ पे 6 महीने समुद्रों से स्थल की ओर हवाएं चलती हैं और 6 महीने स्थल से समुद्रों की ओर हवाएं चलती हैं। तो मानसूनी जलवायु प्रदेश में गर्मी में वर्षा होती है, सर्दियाँ सूखी होती हैं। इस कारण यहाँ पे पतझड़ प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ये यहाँ की वनस्पति सर्दियों में अपने
पत्तियां गिरा देती हैं और गिरने के कारण इसको मानसूनी या पतझड़ प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा विस्तार पाया जाता है मानसूनी जलवायु का, जिसके बारे में आपको देखा होगा कि यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा वर्षा होती है, ग्रीष्म काल में खूब वर्षा होती है, सर्दियों में वहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है। इस कारण मानसूनी जलवायु की विशेषता दे रखी है कि गर्मियों में वर्षा होती है, सर्दियाँ सूखी रहती हैं। इस कारण यहाँ पे वनस्पति भी इस प्रकार की होती है कि ग्रीष्म ऋतु में या एक साल में इसमें अपने पत्तियां गिरा देती हैं और पत्तियां गिराने के कारण फिर उसमें दोबारा पत्तियां फूटती हैं। तो ये चीज़ें सारी मानसूनी प्रकार की वनस्पति है जो मौसम के अनुसार चलती है। और इस प्रकार ऐसा जलवायु प्रदेश जिसमें गर्मियों में वर्षा होती है, सर्दियां सूखी रहती हैं और वनस्पति मुख्य रूप से मानसूनी या पतझड़ प्रकार की पाई जाती है, ऐसी जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा इसी प्रकार की जलवायु का विस्तार पाया जाता है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो भारत, पाकिस्तान, फिर नेपाल, भूटान, दक्षिणी चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, इन अधिकांश इन देशों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है।